हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर में एंट्री है कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हमने आपको कल बताया था कि रिसिप्ट वाउचर पे कैश की एंट्री कैसे करते हैं। अगर कोई पार्टी वाला हमें कैश दे रहा तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। आज हमें सीखना है कि जो पार्टी है जिससे हमें पैसा लेना है, वो अगर हमें बैंक द्वारा पैसा दे तो हमें किसमें कैसे हमें मैनेज करना है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर, जिसे हमें करना है ओपन। ये हमने किया इस पे क्लिक। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा कर रहा प्रोसेस और ये हो चुका है ओपन। नेक्स्ट हमें एजुकेशन मोड पे टैली को ओपन करना है। अगर आपको ये सारी बेसिक इसके बारे में बेसिक जानकारियाँ नहीं है तो हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, आप उन्हें जरूर देख लें। अगर आप वो उन वीडियो को देख रहे हैं तो आपको टैली चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके पहले हमने किया था परचेज और उसके बाद किया था सेल। अब हमने किस कंपनी पे परचेज और सेल किया हमें देखना है। हमने किया था राहुल प्राइवेट लिमिटेड पे, पहले हमने परचेज किया फिर सेल किया, तो हमें जो रिसिप्ट करना है इसी कंपनी पे करना है। क्या करेंगे, एंटर करना है। नेक्स्ट हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे। अब हमें ये देखना है कि जिनसे पैसा लेना है वो कौन है, आज हमें किससे पैसा लेना है। हमने कल एक पार्टी से पैसा लेके आपको दिखाया था, लेकिन उस पार्टी वाले ने हमें कैश दिया था। आज हमें अगर बैंक द्वारा पैसा प्राप्त हो रहा तो उसको कैसे हम लेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट पे जाना, अपना बैलेंस चेक करना है। बैलेंस शीट पे जाने के बाद असेट्स करंट असेट्स पे जाना है, नेक्स्ट इंटर। इसके बाद यहाँ पे संडे डेबिटर्स हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे संडे डेबिटर्स। हमने कल आपको बताया था राहुल किराना स्टोर, हमने इनसे पैसा लिया था, कितना, 3,000 रुपये कैश लिया था। आज जैसे ये हमें दे रहे हैं बैंक द्वारा, अब जैसे ये हमारे बैंक में ट्रांसफर करना है ऑनलाइन वगैरह, तो हम इसका पैसा कैसे लेंगे, किससे लेना, राहुल किराने स्टोर से। कितना लेना, 1,250 रुपये। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे एंट्री। हमें करना है स्केप, हमें चले जाना बैंक, उसके बाद जाएंगे वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का वाउचर है। हमें क्या करना है, रिसिप्ट करना है। रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट है F6, सिंपली हमें F6 प्रेस कर देना है, हमारा रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे बोला CR, CR पे हमें उसके उसकी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिससे हमें पैसा लेना है, या पार्टी का कोई लेजर है तो हम उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें किससे लेना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने बताया था राहुल किराना स्टोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राहुल किराना स्टोर का लेजर यहाँ पे है, यह हमारा पार्टी का लेजर है। तो क्या करना है, हमें करना है इसको सेलेक्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लियर बैलेंस, वो कितना है, 1,250 रुपये, जो हमें इनसे लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जैसे 1,200 रुपये ले रहे हैं अभी, 1,200 हमने यहाँ पे डाला, 1,200 या 1,200, नेक्स्ट करेंगे इंटर। यहाँ पे ठीक है, सारी ऑन अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बाकी सब सेम। नेक्स्ट यहाँ पे कैश शो कर रहा, यहाँ पे कैश शो कर रहा, हमें कैश पे नहीं दे रहा ये, तो हमें क्या करना है, अगर कैश पे दे रहा तो सिंपली कैश का लेजर सेलेक्ट करना है, एंटर कर देना है, कैश पे हमारी एंट्री हो जाएगी। लेकिन हमें ये किस में दे रहा है, बैंक में, तो क्या करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर कर देंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे लेजर हमें क्रिएट करना है, लेजर किसका क्रिएट करेंगे। अब जैसे हमारे पास बहुत सारी बैंकें होती है, अगर हम व्यापार करते हो तो हमारे पास बैंक अकाउंट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं खाता खुला है उस बैंक में, तो हमारे बहुत सारे खाता होते हैं। अब जैसे BOB पे हो गया, HDFC, पंजाब नेशनल, बहुत सारी हमारी बैंकें होती हैं। अब जैसे जो हम अकाउंट में, जिस अकाउंट में पैसा ले रहे हैं वो हमारा BOB का है अकाउंट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे BOB का एक लेजर क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट हमने डाला यहाँ पे BOB, या यहाँ पे हम डाल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, नेक्स्ट हमने शॉर्ट में डाल दिया, नेक्स्ट करेंगे इंटर। अब हम आ चुके हैं अंडर पे, अंडर पे क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि ये हमारी बैंक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट है, नेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नेम वगैरह डाल देना, जो भी हो, जैसे हम अपना नेम डाले दे रहे हैं,
ये नेक्स्ट अकाउंट नंबर डाल देना, आईएफएससी कोड डाल देना, जो जो भी है आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, एड्रेस वगैरह डाल देना, पिन कोड वगैरह डाल देना, जो भी हो। उसके बाद करेंगे यहाँ पे इंटर और इसे करा देंगे एप्सेट। ये आप देख सकते हैं हमने करा दिया एप्सेट। जैसे हमने एप्सेट कराया आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बीओबी का लेजर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या करना है, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंटर करते हुए हमें एप्सेट करा देना है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं नरेशन पे। नरेशन पे हमें क्या फिल करना होता है, हमने क्या लिया, राहुल किराने स्टोर से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया, तो हमें वही चीज यहाँ पे फिल कर देनी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस एंट्री को सेव कर देना है। एंट्री को सेव करने के लिए क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना। एंट्री हमारी सेव हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंट्री नंबर हमारी थर्ड ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमारी एंट्री ये बैंक की कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जितनी भी एंट्रियां करनी है, आपको जिस पार्टी से पैसा लेना है तो आप इसी तरह ले सकते हैं। आई होप आपको ये हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल्स पढ़ने हैं तो हमने उसके भी लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में बना के अपलोड कर दिए, आप उन्हें जरूर देख लें। अगर आपको ये हमारे टैली के सॉफ्टवेयर या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इस पे काम करने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका सलूशन हम जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमें करना है स्किप टैली को। क्या करना है, सबसे पहली बटन स्किप करने के लिए हमने आपको बताया भी था। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।